Praise the Lord Jesus, जय यीशु दी। मैं राजा वॉल्टर योहानाबाद से। आज 11 नवंबर जो है वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बड़ा यादगार दिन है। एक लीजेंड थे हमारे ऑर्थर नैयर, ए नैयर साहब। तो मैं जो जितना जानता हूँ इतना कुछ ज़्यादा डिटेल या पूरी हिस्ट्री तो नहीं मेरे पास उनकी, लेकिन 80s की बात करता हूँ, 80 की दुहाई में तकरीबन मैं कुछ 7-8 साल का होगा, बच्चा था छोटा सा। तो सैन फ्रांसिस में उस वक्त हमारी राइश थी, तो एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ था वहाँ पर। तब ये बैंड्स का नाम लिया जाता कि एक बैंड आ रहा है, मसीही गीत गाने आएगा, गिटार ऑर्गन्स और ये कीबोर्ड ड्रम सेट वगैरह, इस तरह बड़ा बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता था। और उस वक्त में ये लोगों के लिए बड़ी एक नायाब चीज़ होती थी। हमें भी पता था, हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, रात का टाइम वो था इन ईयर साहब का। तो शाम में जब वो आते तो मैं देखता हूँ कि एक गोरा चिट्टा सा क्लीन शेव में एक नौजवान, घुंघरियाले बाल, गोरा चिट्टा रंग, बहुत खूबसूरत। और मैं उसी वक्त में अपने आप को बता रहा था कि ये हीरो होते हैं, ऐसे हीरो होते हैं। तो इन ईयर साहब की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में जानी गई है, पूरी दुनिया के लोग उनको सुनते थे। और पाकिस्तान में रहकर मेहदी हसन, सलीम रज़ा, इस तरह के वो जितने भी बड़े बड़े गुलकार थे उनके दौर में इन ईयर साहब ने अपने आप को मनवाया। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लोग इनको सुनते थे और बहुत खूबसूरत आवाज़। और मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना यही चाह रहा था, अपने जो मेरे ख्याल हैं वो यही हैं कि अगर इन ईयर साहब अगर इंडिया में होते, चाहे ये जो उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत, इस तरह इन लोगों का शायद ही कोई वजूद होता, क्योंकि इन ईयर साहब की ऐसी आवाज़ थी, वो बिल्कुल किशोर साहब की कॉपी थे। उनके गाने बड़े मशहूर गाने, उनके बीना तेरा नाम, मैं तो जलाया सा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा, और इसी तरह उन्होंने मसीह गीतों में भी एक लंबी फहरिस्त रखी। बहुत से मसीह गीत उन्होंने गाए और दिया बन के रातों में जलता रहूँगा, मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत गाना गीत ये गाया था उन्होंने। तो आज 11 नवंबर उनकी बरसी का दिन है, तो इन ईयर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। और आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है और वो हमें उनको याद करके उनके गानों को, उनकी लाइफस्टाइल को हमें आज भी उन्हें अपने आप अपने दरमियान जो है वो जिंदा रखना है। तो आप सबको बरकत दे। जय यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।